है दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा अपने गूगल क्रोम में बैड वेबसाइट्स को कैसे ब्लॉक करना है। अगर आप भी अपने गूगल क्रोम में बैड वेबसाइट्स को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिस सेटिंग को करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में बैड वेबसाइट्स ब्लॉक हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए पहले तो आपको गूगल क्रोम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ऊपर आपको तीन डॉट्स दिखाई देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पॉपअप मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ से आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको फिर से बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ से पहले तो आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, बेसिक एंड एडवांस। तो यहाँ से आपको एडवांस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडवांस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पहले तो तीनों बॉक्सेस को टिक करना है। जैसे आप तीनों बॉक्सेस टिक करेंगे तो नीचे आपको क्लियर डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लियर डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपको बैक आ जाना है और यहाँ से आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपको सेव ब्राउजिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव ब्राउजिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से तीन ऑप्शंस मिलेंगे। दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में थर्ड वाला ऑप्शन ऑन होगा, तो यहाँ से आपको इस सेटिंग को चेंज करना है। पहले वाले को चूज़ कीजिए, उसके बाद आपको बैक आ जाना है। जैसे ही आप बैक आएंगे तो नीचे आपको ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शंस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। जैसे आप उस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो नीचे आपको और एक ऑप्शन मिल जाएगा, यूज सिक्योर DNS। तो यहाँ से आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको चूज अनदर प्रोवाइडर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको क्लीन ब्राउजिंग के ऑप्शन को चूज करना है। जैसे आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपको बैक आ जाना है। दोस्तों, गूगल क्रोम में इन सभी सेटिंग को करने के बाद आपके गूगल क्रोम में बैड वेबसाइट्स ब्लॉक हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप गूगल क्रोम में बैड वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।